श्री गंगानगर गंग कैनाल में सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने इन्हें शहर से बाहर रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाकर पुख्ता इंतजाम किए। सूरतगढ़ रोड पर KLM के पास पुलिस ने प्रदर्शन करने जा रही किसानों को रोक दिया। किसानों ने यहीं पर ट्रैक्टर ट्रॉलियां खड़ी करके जाम लगा दिया और सभा करने लगे। संबोधित करते हुए किसान नेता हरजीत सिंह ने कहा कि इतिहास में पहली बार परिस्थितियां बनी है कि अगस्त माह में गंग नहर निचले स्तर पर रही है और क्योंकि हमारी राजस्थान सरकार इसके प्रति संजीदा नहीं है, इसके लिए गंभीरता से प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। इधर पदमपुर मार्ग पर गुरुद्वारा के पास सैकड़ों किसानों का हुजूम उमड़ पड़ा। यहां पे भी पुलिस ने इन्हें शहर में जाने से रोकने का पूरा प्रबंध किया हुआ था। डिमांड नहीं कर रहे हम, हमारी डिमांड यह है जितना पानी हरी के हेड से फ्रोइपर फीडर में डलता है उसमें हमारा 25% हिस्सा है वो हमें दिलवाया जाए, अन्यथा अगर अभी भी कुछ ना दिलवा पाए तो अगली जो कॉल होगी इससे भी सख्त कॉल होगी। किसान मरता क्या नहीं करता सब कुछ करेगा। के जनप्रतिनिधि बोले हैं और जो यहाँ अपने आप को भावी MLA के रूप में देख रहे हैं वो भी नहीं बोल रहे हैं पानी के मुद्दे पर, सिर्फ इस पे राजनीति की जा रही है। आज हालात गांव में ये है कि पीने का पानी भी डिग्गियों में नहीं बचा है और इससे उग्र आंदोलन और ज़्यादा तेज होगा और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जिले में बिगड़ जाएगी अगर समय रहते कुछ ना किया गया तो।